नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चंद्र राशि आधारित नाम पुकार अनुसार कैसा हो सकता है आज आपके लिए, जानिए राशि के अनुसार। मेष राशि, नए भवन में जाने के योग के बीच जिन लोगों का सहयोग आपने किया था, आज वे ही आपसे मुंह फेरते दिख रहे हैं। बीमारी में दवाई असर नहीं करेगी, बेहतर होगा अपना डॉक्टर बदले या किसी योग्य व्यक्ति से सलाह ले। वृषभ राशि, शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा, कार्यस्थल पर योजना लाभप्रद रहेगी, पड़ोसियों की मदद करनी पड़ सकती है लेकिन क्रोध की अधिकता से परिजन नाखुश होंगे। मिथुन राशि, जीवन शैली में परिवर्तन के योग के बीच पुरानी दुश्मनी के चलते विवाद संभव है, किसी के बहकाव में आते हुए समय रहते जरूरी कार्य पूरे करें, पिता के व्यवहार से मनमुटाव की संभावना। कर्क राशि, सोचे कार्य समय पर होने से मन प्रसन्न रहेगा, कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगे, अपने वाक्य चातुर्य से सभी काम आसानी से करवा लेंगे लेकिन प्रेम प्रसंग के चलते मन उदास रहेगा। सिंह राशि, आजीविका के नए सरोत्र स्थापित होंगे, जीवन शैली में आय परिवर्तन से खुश होंगे, साथ ही आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा। कन्या राशि, आज जो लोग आपके कार्यों की सराहना करते थे अब वे ही आपका विरोध करेंगे, भवन भूमि के विवादों का अंत होगा, अपने हिसाब से जिंदगी जीना पसंद करेंगे, पिता के व्यवसाय में रुचि कम रहेगी। तुला राशि, परिजनों का सहयोग नहीं मिलने से आज कार्य प्रभावित होंगे, अंततः समय रहते अपने कार्य पूर्ण कर ले, घर में वास्तु अनुरूप परिवर्तन करने से पारिवारिक तनाव खत्म होगा, फैक्ट्री में प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाएं, चमत्कारित लाभ होगा। वृश्चिक राशि, व्यस्तता के कारण सेहत को ना भूले, अपने जीवन साथी से नम्रता से बात करें और आप दोनों के वार्तालाप में स्नेह झलके ना कि बनावटी बातें, वाणी में मधुर रहे, यात्रा के योग है। धनु राशि, आज सेहत को नजरअंदाज ना करें, मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ेगी, आपके संपर्कों से रुके कार्य पूरे होंगे, बहनों के विवाह की चिंता रहेगी। मकर राशि, जल्दबाजी में किए गए फैसलों में भारी नुकसान की संभावना के बीच परिवार में आपकी बातों को सुना जाएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परीक्षा परिणाम अनुकूल होगा, धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता होगी। कुंभ राशि, आज संतान के सहयोग से कार्य पूरे होंगे, नए लोगों से संपर्क बनेगा जो भविष्य में लाभदायक रहेगा, वाहन सुख संभव है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ऐसे में अभी अपने बारी का इंतजार करें। मीन राशि, किसी के बहकाने से अपने संबंध तोड़ने से बचे, पैर में चोट की संभावना है, समाज में नाम होगा, माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, ध्यान रहे जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं उन्हें कभी अपने लिए नहीं मांगना पड़ता। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार, डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, शभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।